नमस्कार। व्यवसाय अध्ययन के आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्या है, आइए जानते हैं इस प्रकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। हम सभी जानते हैं कि अगर हम मानवीय संसाधनों का सदुपयोग कर लें तो बतौर प्रबंधक हम कुशल माने जाएंगे। इसीलिए एक श्रेष्ठ और अच्छा प्रबंधक कार्य करने की दशाओं को वातावरण के अनुकूल बनाता है और अधिक से अधिक उत्पादन करने में सदैव सफल होता है। ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि संगठन में अधिक कर्मचारी अधिक उत्पादन ही कर लें। कर्मचारियों की संख्या भले ही कम हो, किंतु यदि वे प्रशिक्षित हैं, योग्य हैं, कुशल हैं, तो संभव है कि जहाँ पर कर्मचारी अधिक हैं उनसे भी वह ज़्यादा उत्पादन कर लें। यानी कि दूसरी संस्था में अगर कर्मचारी की संख्या ज़्यादा है और कहीं पर प्रशिक्षित कर्मचारी, योग्य कर्मचारी, कुशल कर्मचारी अगर हैं, वो संख्या में भले ही कम हो, तो संभव है कि दूसरे संस्थान से, दूसरी व्यवसाय से वो ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं। मानव शक्ति के नियोजन की दृष्टि से, यानी कि प्लानिंग के नज़रिए से, पदों का सृजन कार्य, पदों का सृजन करना पहले, फिर कामा लगा लीजिए, कार्य आवंटन यानी कि वर्क अलाटमेंट, नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट, कार्य अवलोकन। कार्य अवलोकन का तात्पर्य यह होता है कि वर्क सुपरविजन, कार्यभार का अनुमान, किसी के पास वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी हो सकती है उसका एस्टिमेशन करना, और पद समापन आदि कार्य इसमें आवश्यक होते हैं मानव शक्ति की प्लानिंग में, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग में। अतः उपयुक्त कार्य पर ऑन राइट जॉब राइट सही यानी उपयुक्त कार्य सही समय पर, सही स्थान पर उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति करने के लिए मानव संसाधन नियोजन आवश्यक होता है। मतलब आप चाहते हैं कि सही कार्य सही समय पर हो जाए, सही स्थान पर हो जाए और सही इन तीनों के लिए सही व्यक्ति की नियुक्ति हो जाए, यही मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता को दिखाता है। इस काम के लिए मानव संसाधन के नियोजन की जरूरत पड़ती है। आइए हम कुछ पॉइंट्स को जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप मानव संसाधन का नियोजन कर लेते हैं तो आप पाते हैं कि मानव शक्ति का अपव्यय यानी वेस्टेज नहीं होता है और आप उसका इफ़ेक्टिव उपयोग कर पाते हैं, यूज़ कर पाते हैं। तो किन कारणों से मानव शक्ति के नियोजन की आवश्यकता पड़ती है? देखिए, आपने अभी तक इतना जो पढ़ा ये सिर्फ मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता की भूमिका थी। तो आप क्या इसमें लिखेंगे? आप इतना सब कुछ ना भी लिखें तो भी चलेगा, आपको इंट्रोडक्टरी डेढ़ दो लाइनें लिखनी है और उसके बाद में ये पॉइंट्स लिखने होते हैं जब आप अपने क्वेश्चन को आंसर कर रहे होते हैं। तो क्या लिखना होगा? आप ये लिख सकते हैं कि मानव संसाधन नियोजन यदि कहीं किसी एक संस्था में किया जा रहा है तो संभव है कि वहाँ पे कर्मचारियों की संख्या भले कम हो, लेकिन अगर कर्मचारी प्रशिक्षित, योग्य और कुशल हैं तो वह अधिक कर्मचारियों की तुलना में भी ज़्यादा उत्पादन कर रहे होंगे। इसके लिए मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता पड़ती है कि सही कार्य सही समय पर, सही स्थान पर, सही व्यक्ति के माध्यम से करा लिया जाए। ठीक है, कुछ बिंदुओं से आइए हम जानते हैं कि मानव शक्ति के नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ऐसा लिखने के बाद फिर आप ये पॉइंट्स लिखना शुरू करेंगे। तो पहला पॉइंट्स क्या है? कर्मचारी का लागत का ऊंचा होना, हाई कॉस्ट ऑफ पर्सनल। कर्मचारी लागत को कम करने के लिए इस पर नियंत्रण का प्रबंध प्रबंधकों द्वारा करना पड़ता है। मानव शक्ति नियोजन कर्मचारी बाहुल्य और कमी को दूर करता है और ऐसा करके आदर्श कर्मचारी शक्ति की व्यवस्था करता है। यानी कि आप मानव संसाधन नियोजन के जरिए कर्मचारियों की संख्या नियंत्रित रख पाते हैं और आप पाते हैं कि कर्मचारी बाहुल्य यानी कि कर्मचारियों की अधिकता से आप बचते हैं और अगर कहीं कमी की स्थिति बनती है तो उसे आप दूर कर पाते हैं। यानी कि जितनी ज़रूरत है उतने कर्मचारी आप पाते हैं, तो इससे आप ये पाते हैं कि आप कर्मचारी लागत जो कि ऊँची होती है उसे आप कम कर पाते हैं। ठीक, तो चूँकि कर्मचारी लागत ज़्यादा होती है उसे कम करने के लिए आवश्यकता है, पहला बिंदु था। दूसरा बिंदु है मानव शक्ति के प्रकार के निर्धारण द्वारा उसकी भर्ती के स्रोतों की खोज में सहायक होना। आप पहले ये जान लेते हैं कि मानव शक्ति किस तरह की आपको चाहिए।
जिस तरह के लोग आपको चाहिए वो उसी तरह के स्रोतों में आपको खोजने होंगे। जैसे अगर आपको मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स चाहिए तो आपको किसी बीबीए कॉलेज में जा कर के, मैनेजमेंट कॉलेज में जाके जो ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं फाइनल ईयर के, उन्हें आपको अपने यहाँ रिक्रूटमेंट के लिए सूचित करना होगा, मोटिवेट करना होगा। लेकिन मान लेते हैं अगर आपको मैनेजर्स की आवश्यकता है तो आपको किसी ऐसे संस्थान में जाना होगा जहाँ पर एमबीए के विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो ये देखना होगा कि आपको किस तरह के लोग चाहिए और उसी तरह के स्रोत में आप उस तरह के लोगों को आप ढूंढेंगे। तो पहली बात, किस तरह के लोग चाहिए, कहाँ से आएगा, ये आपको पता चलेगा मानव संसाधन नियोजन से ही। तीसरी बात, कर्मचारी विकास की प्रभावशीलता। आप यह जान पाते हैं कि अगर आप अपने कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से आप उन्हें उनके विकास को प्रभावी बनाना अगर चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि जो भी विकास के कार्यक्रम यानी कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं उनको आप मानव संसाधन नियोजन के साथ जोड़ें, क्योंकि मानव संसाधन नियोजन से ही पता चलेगा कि हमने जिस तरह के कर्मचारी ढूंढे थे या चाहिए थे हमें जिस तरह के कर्मचारी, उस तरह की योग्यता वाले कर्मचारियों को तो हम सही सोर्स से प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उन्हें वो सारे गुण देने के लिए, वो सारे कुशलताएं देने के लिए हमें वैसे ही अनुकूल कर्मचारी विकास कार्यक्रम चलाने होंगे, यानी कि एम्प्लाइज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने होंगे। तो इसीलिए एम्प्लाइज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को जो मानव संसाधन नियोजन है उसके साथ जो है ना संबद्ध करना होगा, जोड़ना होगा। इसके बाद में आएगा पॉइंट नंबर चार क्या कहते हैं, पॉइंट नंबर चार कहता है कि मानव शक्ति के चयन यानी कि सलेक्शन, उसकी नियुक्ति, उसका अपॉइंटमेंट और उसके रिप्लेसमेंट में सहायक होता है। समझिएगा ज़रा, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड देन रिप्लेसमेंट ऑफ पर्सनल। तो HRP यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का लक्ष्य क्या है, सही कार्य पर सही व्यक्ति सही समय पर उसका चयन हो जाए, उसकी नियुक्ति हो जाए, यही HRP का उद्देश्य होता है। तो संस्था के लिए मानव शक्ति की आवश्यकता का नियोजन करके सरलतापूर्वक उपयुक्त व्यक्ति का चयन तथा नियुक्ति की जा सकती है HRP के माध्यम से। पाँचवा पॉइंट है मानव शक्ति की आवश्यकताओं में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन मैन पावर रिक्वायरमेंट। देखिए, संस्था के विभिन्न विभागों द्वारा कर्मचारियों की आवश्यकताओं में तालमेल स्थापित करना आवश्यक होता है। अगर कर्मचारी जो है ना उनकी जो आवश्यकताएं हैं अगर हम उनमें तालमेल बिठा पाएंगे तो आप ये पाएंगे कि आपकी संस्थाओं में, आपकी संस्था में कम से कम डिस्प्यूट हो रहे होंगे, कम से कम प्रबंध श्रम खींचतान होगी, स्ट्रेस होगा। इसका मतलब ये होगा कम से कम स्ट्रेस होगा, कर्मचारी जो है प्रबंधकों से खींचे कम रहेंगे, उनके साथ उनका एक बेहतरीन संबंध रहेगा, सकारात्मक संबंध रहेगा अगर आप उनकी आवश्यकताओं को समझ लेते हैं। और ये मानव संसाधन नियोजन से ही संभव है। छठा पॉइंट है कि उत्पादन में उत्पन्न विघटन पर रोक, चिकन डिसरप्शन इन प्रोडक्शन। डिसरप्शन माने होता है रुकावट, बाधा। तो उत्पादन विघटन पर रोक के लिए क्या ज़रूरी है, मानव शक्ति का सही से नियोजन हो जाए। पहले से अगर आप नियोजन कर लेते हैं तो मानव शक्ति की मात्रा और पूर्ति में संतुलन की स्थापना, मात्रा का मतलब है कि मांग, ठीक है ना, मानव शक्ति की मांग की मात्रा कर लीजिए, मांग की मात्रा व पूर्ति में संतुलन की स्थापना अगर आप नियोजन करते हैं तो आप जाहिर सी बात है कि मानव शक्ति की मांग की मात्रा और पूर्ति में दोनों में आप संतुलन स्थापित कर लेंगे। तो जब जितने लोग चाहिए उतने ही लोग होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके यहाँ उत्पादन कार्य में कोई विघटन यानी कि डिसरप्शन नहीं होगा। डिसरप्शन माने डिस्टर्बेंस नहीं होगा, रुकावट नहीं होगी। राष्ट्रीय जनशक्ति नियोजन का आधार, देखिए जब आप अपनी संस्था में HRP लगाते हैं तो आप अपनी संस्था में ह्यूमन पावर का नियोजन करते हैं। अगर हर संस्था में इसी तरह से HRP अप्लाई हो रहा हो तो जितनी संस्थाओं में काम करने वाले लोग हैं उसमें सारे HR की प्लानिंग हो जाएगी अच्छे से। तो इस तरह से ये राष्ट्रीय ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का आधार बन जाएगा, है ना। हर संस्था में HRP, अलग अलग HR मैनेजर्स हैं वो HRP को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। तो जितने भी संस्थाएं हैं सब में अगर अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ह्यूमन रिसोर्सेज का तो इस तरह से ये राष्ट्र के ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लानिंग का आधार बन जाएगा। आठवां पॉइंट है कि औद्योगिक अशांति में कमी होना, इसी की मैं अभी बात बोल रहा था। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब होता है कि हमेशा से
जो पूंजीपति है यानी कि जिस जो उद्योगपति है वो यही चाहता है कि कम से कम वेतन दे, है ना। वेतन के मामले में जो पूंजीपति है यानी कि जो आपका कैपिटलिस्ट है वो वेतन कम से कम देना चाहता है, और जो श्रमिक वर्ग है उनकी क्या कोशिश होती है कि वो अपना वेतन ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं, और यही वजह है कि ये कम चाहते हैं ये ज़्यादा चाहते हैं तो इनके बीच में विवाद होता है। लेकिन अगर मानव शक्ति का सही से नियोजन कर लिया जाए, विवेकपूर्ण नियोजन कर लिया जाए यानी कि रीजनेबल नियोजन कर लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में आप पाते हैं कि श्रम निष्कासन यानी कि श्रमिकों को निकालना पड़े, श्रम बदली यानी कि श्रमिकों को ट्रांसफ़र करना पड़े, अशांति का मतलब होता है लॉकआउट, तालाबंदी, हड़ताल, इस तरह के झगड़े आपकी संस्था में नहीं होंगे। तो आपने जाना कि मानव संसाधन की नियोजन की आवश्यकता क्या है, विभिन्न बिंदुओं से जाना, कुछ भूमिका से आपने जाना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट्स समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई समस्या है इसमें तो आपने संकोच कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं आपको वादा करता हूँ कि आपके हर प्रश्न का जवाब मैं कम से कम समय में दूंगा। आइए अब जानते हैं मानव संसाधन नियोजन के उद्देश्य क्या क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है मानवीय शक्ति की आवश्यकता का सही पूर्वानुमान लगाना, करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। आप ये जान लें कि हमारी संस्था में कितने और किस किस कुशलता के लोग चाहिए, बस ये आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है। दूसरा उद्देश्य होता है कुशल और निपुण कर्मचारियों की उचित पूर्ति की व्यवस्था करना। ये निपुण का मतलब क्या होता है, ट्रेंड, और कुशल माने एफिशिएंट। तो एफिशिएंट और ट्रेंड कर्मचारियों की आप व्यवस्था कर लें तो इसमें करना क्या होगा, संस्था की आवश्यकता के अनुसार सही समय पर सही स्थान पर योग्य और निपुण मानव शक्ति एक बार अगर नियुक्त कर ली जाए तो उस कर्मचारी को, आप जानते हैं कि किसी भी कर्मचारी को एक बार नियुक्त करने के बाद में निकालना वर्तमान समय में ऐसे कानून बन चुके हैं ये आसान काम नहीं रहा है। आपको उचित कारण देने होते हैं कि आप क्यों उन्हें निकाल रहे हैं। तो पहले से ही ऐसी व्यवस्था आप कर लें ताकि किसी भी कार्य के लिए आप उपयुक्त कर्मचारी को नियुक्त कर लें, आपको किसी को निकालना ही ना पड़े। ये उद्देश्य HRP से पूरा हो जाता है क्योंकि आप पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें किस तरह के कितने लोग चाहिए, किस योग्यता वाले कितने लोग चाहिए, फिर आप जब उन्हीं को अपॉइंट करेंगे तो निकालने जैसी स्थिति नहीं बनेगी। तो उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों को पहले लाना, फिर ट्रेनिंग करना, फिर अगर वो ठीक ना लगे तो उन्हें निकालना। उससे बेहतर है कि आप ऐसे ही लोगों का अच्छी प्लानिंग के साथ पहले निर्धारण करें कि कैसे लोग चाहिए, फिर ऐसे ही लोगों को अपॉइंट करें, ट्रेनिंग करें उनकी, और उसके बाद में आप उन्हें अपनी संस्था में उपयोग में लें। उचित प्रशिक्षण द्वारा कर्मचारियों का विकास करना। देखिए HRP जो कर्मचारी नियुक्त हो चुके हैं उनको ट्रेनिंग देकर के संस्था के कार्यों के लिए योग्य बनाती है और उनको उनके व्यक्तित्व में विकास करती है, यही उद्देश्य है। कर्मचारियों का अधिकतम उपयोग करना ताकि प्रति इकाई श्रम लागत में कमी हो सके। प्रति इकाई श्रम लागत का मतलब है कि अगर एक व्यक्ति मान लेते हैं एक दिन में 100 यूनिट बनाता है, और समझने के लिए कि उसे प्रतिदिन अगर हम 1000 रुपये की सैलरी देते हैं मान लेते हैं तो प्रति इकाई उसकी लागत कितनी हो गई। अगर आप देखें भाई एक व्यक्ति को आप 1000 रुपये कर रहे हैं और वो दिन में बना रहा है 100 यूनिट, तो प्रति इकाई मूल्य कितना हो गया, 100 इकाई का मूल्य कितना हो गया 1000 रुपये, तो एक का कितना हो जाएगा 1000/100 यानी कि एक इकाई की लागत आ गई 10 रुपये। क्या ये बात क्लियर है। तो आपने प्रति इकाई श्रम लागत निकाल ली, ओके, ये भी उद्देश्य है इसका। दूसरा क्या है, परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप HRP में आवश्यक संशोधन करना। देखिए अर्थव्यवस्था जो है वो निरंतर बदलती रहती है और उसमें जो जो परिवर्तन होते हैं उसके हिसाब से आपको HR की भी नीड में परिवर्तन होता है। तो आप क्या करते हैं अपनी HRP में यानी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी में आवश्यक संशोधन कर लेते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में भी आवश्यक संशोधन कर लेते हैं। यहाँ पर HRP यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। छठा है मानव संसाधन विषयक आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना। इसका मतलब वही है कि ह्यूमन रिसोर्स से संबंधित विषय से विषय यानी उस विषय से संबंधित क्या क्या नीड्स हैं उनका पहले से अनुमान लगा पाएँ, मतलब किस तरह के लोग कितनी संख्या में आपको चाहिए।
एचआरपी से श्रमिकों की अनुपस्थिति दर यानी कि उनकी अनुपस्थित एब्सेंट रहने की रेट क्या है। श्रम आवर्तन दर, इसका मतलब यह होता है, इसे हम बोलते हैं लेबर टर्नओवर रेशियो। तो लेबर टर्नओवर रेशियो वही कि कितने कर्मचारी आपके एक साल के भीतर आपके यहाँ आते हैं और कितने छोड़ के चले जाते हैं। तो कितना प्लस हुआ कितना माइनस हुआ यही आपका लेबर टर्नओवर को दिखाता है। अन्य कारणों से ली जाने वाली अवकाश की दरें यानी कि किसी भी कारण से अगर वह छुट्टियां ले रहे हैं तो अगर आप एचआरपी अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप पाते हैं कि अवकाश लेने की जो रेट है वो कम हो जाती है और इससे क्या होगा एचआरपी के द्वारा आप उत्पादन स्तर को मेंटेन रख पाएंगे। उत्पादन स्तर मतलब जितना आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उतना प्रोडक्शन होता रहेगा। कुछ लोग अगर छुट्टी लेंगे तो कुछ लोग जो है रोटेशन वाइज आते रहेंगे तो आपके यहाँ कर्मचारियों की बहुत कमी नहीं होगी। एचआरपी के द्वारा कर्मचारी कल्याण कार्यक्रमों को आप ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं। अभी कर्मचारी कल्याण कार्यक्रम क्या होते हैं, कर्मचारियों का इंश्योरेंस कराना, उन्हें तरह तरह की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में इनरोल करना, जैसे आप उनका ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन कराते हैं, आप उनकी जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले सकते हैं, उनके लिए कुछ और पेंशन प्रोग्राम बनाने के लिए आप उनके लिए कुछ और सेविंग्स प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं जो कि ऐच्छिक होंगे, कंपलसरी नहीं होंगे, लेकिन आप ऐसा करते हैं इससे एम्प्लॉइज़ को कहीं ना कहीं उनका कल्याण बढ़ता है यानी कि एम्प्लॉइज़ का वेलफेयर बढ़ता है। तो इन्हें एम्प्लॉइज़ वेलफेयर प्रोग्राम कहा जाता है। आप इन्हें ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं एचआरपी के ज़रिए और औद्योगिक संबंधों में मजबूती रहेगी यानी कि श्रम प्रबंधों के बीच में अच्छे संबंध होंगे, मधुर संबंध होंगे। और अधिशासी विकास कार्यक्रम आयोजित करना, अधिशासी माने होता है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, अधिशासी एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम इनको आयोजित कराना। इस संबंध में फिलिप पो नाम के एक विचारक हैं, विद्वान हैं, वो कहते हैं कि मानव शक्ति नियोजन का उद्देश्य क्या है, योग्य व्यक्तियों की निरंतर पूर्ति बनी रहे और इससे इसके द्वारा किसी संगठन के स्थायित्व यानी कि उसकी स्टेबिलिटी में और प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करते रहना, यानी कि उचित और उचित योग्यता वाले, उचित संख्या और उचित योग्यता वाले जो मानव शक्ति है यानी कि ऐसे योग्य व्यक्ति जो हैं ये निरंतर रूप से यथा आवश्यकता इनकी पूर्ति बनी रहे और अगर ऐसा रहेगा तो संगठन में स्थायित्व बना रहेगा और उसकी प्रगति में भी ये योगदान करेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति आप तभी कर सकते हैं जब वर्तमान और भावी मानव शक्ति परिस्थितियों का आप सावधानी पूर्वक यानी कि बहुत ही कॉशियसली आप उनका एनालिसिस कर पाएँ कि कितने लोग वर्तमान में चाहिए और कितने लोग भविष्य में चाहिए होंगे, किस तरह के लोग, किस योग्यता वाले लोग चाहिए। ये तो रहे एचआरपी के बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स, है ना। और अब जो आगे आपको पढ़ना है वो रहेगा रिक्रूटमेंट क्या होती है। रिक्रूटमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि रिक्रूटमेंट क्या होती है, आपको जिस तरह के लोग चाहिए, जिस मात्रा में चाहिए, ये आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से पता चलता है। ये बात तो आप समझ गए होंगे, अभी तक आप उसी की क्या आवश्यकता है और क्या उद्देश्य है ये पढ़ ही रहे थे। अब इसके बाद में बात यह है कि जब आपको ये पता चल गया कि हमें इस तरह के कुछ खास लोग चाहिए और इस मात्रा में चाहिए, तो सवाल ये है कि वो लोग आपके यहाँ आएंगे कैसे। उसके लिए जो अगला स्टेप है वो है भर्ती का, क्योंकि आप भर्ती के माध्यम से उन लोगों को, जिस तरह के लोग जिस मात्रा में आपको चाहिए उस तरह के लोगों को आप अपने संगठन में आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो आपकी आवश्यकता के अनुरूप भर्ती जो होती है, रिक्रूटमेंट जो होती है, वो प्रत्याशित माने जिस तरह के लोगों की आपको आशा है कि वो आपके यहाँ आए। प्रत्याशित का मतलब एक्सपेक्टेड, ठीक है, एक्सपेक्टेड कर्मचारियों की खोज करना यानी कि उनको ढूंढना और उन्हें संगठन में आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया ही है रिक्रूटमेंट। फिलिप पो इसमें भी कुछ कहते हैं कि भर्ती प्रकाशित कर्मचारियों की खोज करने, प्रत्याशित माफ़ कीजिएगा, प्रत्याशित यानी एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड, जिस तरह के कर्मचारी आपको चाहिए उनकी खोज करना और संगठन में विभिन्न पदों के लिए उन्हें आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है। बात वही है जो आपने ऊपर पढ़ा, प्रत्येक संगठन योग्य कार्मिकों की भर्ती और उनका चयन करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहता है। भर्ती एवं चयन मानव शक्ति की नियोजन का एक महत्वपूर्ण अंग है तथा एचआरडी का एक आवश्यक कार्य है।
HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। संस्था में अनेक कारणों से मानव संसाधनों में परिवर्तन होते हैं, मतलब लोग आते जाते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे प्रमोशन हो जाए किसी का, तो जब प्रमोशन होगा तो वो अपना पद छोड़ देगा, वहाँ पर कुछ नए लोग चाहिए होंगे। स्थानांतरण, अगर किसी का एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो जाए, कुछ लोग तो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, चाहे बुढ़ापे की वजह से, यानी एज ज़्यादा हो गई, रिटायरमेंट हो गए, या कुछ लोग विभिन्न स्वास्थ्य कारणों से या किसी प्रकार के शहर छोड़ने की वजह से भी ऐसा संभव है कि उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़े। कार्यशक्ति, व्यवसाय विकास, शैक्षिक पृथक्करण आदि के फलस्वरूप, ठीक है, कार्यशक्ति यानी कि वर्कफोर्स में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो, व्यवसाय का विकास हो जाए तो भी नए लोग चाहिए होंगे। स्वैच्छिक पृथक्करण का मतलब होता है कि कोई अपनी इच्छा से अगर किसी संस्था से अलग हो जाना चाहता है तो इसे स्वैच्छिक पृथक्करण कहा जाएगा। इसके फलस्वरूप संस्था में कर्मचारियों की संख्या में हेरफेर होता रहता है। यंत्र, कंप्यूटर और नवीन तकनीकों में कभी कभी परिवर्तन होते हैं और उसकी वजह से भी नए कर्मचारियों की ज़रूरत होती है, क्योंकि पुराने कर्मचारी संभव है उस नई तकनीकी पर काम करने के लिए तैयार ना हो। तैयार मीन्स वो रेडी नहीं है। रेडी का मतलब ये नहीं कि वो करना नहीं चाहते हैं, मतलब दे डोंट हैव द सफिशिएंट नो हाउ, मतलब उन्हें उतना ज़रूरी ज्ञान नहीं है, उस तरह की टेक्निक, उस तरह की टेक्नोलॉजी पे काम करना उन्हें नहीं आता, उस तरह की टेक्नोलॉजी पर काम करने की टेक्निक उन्हें नहीं आती, तो इस वजह से नए कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ सकती है। भर्ती एवं चयन संगठन में नई मानव शक्ति को जोड़ने की प्रक्रिया है, इतना आप समझ गए होंगे, और कर्मचारी नियोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो भर्ती का अर्थ जानेंगे पहले, फिर उसकी परिभाषा जानेंगे। आपने अर्थ जान लिया है पहले ही, जो भी संगठन है आपका उसके लिए योग्य व्यक्तियों की खोज कर लेना पहले, फिर उन्हें रिक्त पद की जानकारी देना, और जानकारी इतने आकर्षक ढंग से दी जाती है कि उस आकर्षक ढंग से प्राप्त जानकारी के आधार पर लोग आपके यहाँ जो पद हैं उनके लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित हो जाते हैं, और उन्हें प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया ही है रिक्रूटमेंट। इसमें प्रोफेसर एडविन फिलिपो की डिफिनेशन यही है, सेम टू सेम, कर्मचारियों की खोज करना, उन्हें संगठन के कार्यों के लिए आवेदन करने के लिए उत्प्रेरित यानी मोटिवेट करने की प्रक्रिया है। प्रोफेसर ब्यूल इसी बारे में कहते हैं, BUEL, देखिए ध्यान से, किसी विक्रय पद के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध प्रार्थियों की सक्रिय खोज करना ही पड़ती है। अच्छा, विक्रय पद मतलब सेल्स डिजिग्नेशन के लिए, तो विक्रय इन्होंने बता दिया, विक्रय ही नहीं, किसी अन्य पद के लिए भी हो सकता है। अगर आपको सर्वोत्तम प्रार्थी यानी एप्लीकेंट्स जो भी उपलब्ध हैं उनमें से सर्वोत्तम की खोज करना है तो यही भर्ती प्रक्रिया है, ठीक है। बाकी डेफिनेशन वही है जो फिलिपो की डेफिनेशन, वही बात यहाँ कही जा रही, तो आप केवल दो लिख लीजिए, एक तो प्रोफेसर ब्यूल की लिख लीजिए, दूसरा एडविन फिलिपो की लिख लीजिए। वैसे चाहे तो ब्यूल की छोड़ सकते हैं, इसमें विक्रय आया है जो कि अनिवार्य नहीं कि विक्रय पद ही हो, तो इसे आप छोड़ दीजिए। चलिए आप नोट करिए कौन सी, आप ब्यूल की डेफिनेशन छोड़ दीजिए और आप जो है डेल एस बीच की डिफिनेशन लीजिए। डेल एस बीच, भर्ती संभावित कर्मचारियों के स्रोतों का निर्धारण करना, यानी संभावित का मतलब वही एक्सपेक्टेड कर्मचारी जो आपके, या यूँ कह लें संभावित का मतलब होगा जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज़ हैं, संभावित का मतलब प्रोस्पेक्टिव, वो लोग जो अभी तो एप्लीकेंट्स हैं लेकिन आपके भविष्य में आपके कर्मचारी हो सकते हैं, तो उन्हें बोलेंगे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज़। तो उनके सोर्स क्या है, इट मीन्स वो कहाँ से मिलेंगे, उन सोर्स का निर्धारण कर लेना भर्ती के अंतर्गत पहले। फिर व्यक्तियों को कार्य के अवसरों के बारे में सूचित करना, बताना कि भाई हमारे यहाँ ये कार्य, ये मतलब वैकेंसी है, खाली है, ये पद के लिए रिक्तियाँ हैं, ये उन्हें सूचना देना। फिर आप क्या करेंगे, उन सारे लोगों को जो कैंडिडेट हैं अभी, उनको आप प्रार्थी में कन्वर्ट कर दें, यानी कि उनको आपकी संस्था में अप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र देने के लिए आकर्षित करने की प्रक्रिया है। जो कार्य को निष्पादित करने की वांछित योग्यता रखते हैं ऐसे लोगों को प्रार्थी के तौर पे अपनी संस्था में अप्लीकेशन करने के लिए आकर्षित करने की प्रक्रिया ही है, कौन सी, रिक्रूटमेंट। तो इसको थोड़ा इन्होंने डिटेल में बता दिया है, मेन बात मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। संभावित कर्मचारी जो हैं उनके सोर्सों को पहले आप तय कर लें, स्रोत को तय कर लें, फिर व्यक्तियों को कार्य के अवसरों के बारे में सूचित कर दें, और फिर
जो भी कार्य आप उनसे कराना चाहते हैं, ऐसे लोग जो ऐसी कार्य करने की योग्यता रखते हैं, उन्हें प्रार्थी के तौर पे संस्था में अप्लाई करने के लिए आकर्षित करना। तो ये आप समझ गए होंगे कि इसमें आप लोगों को पहले पहचानते हैं कि वो कहाँ मिलेंगे, फिर आप उन्हें सूचना देते हैं, फिर आप उन्हें अपनी संस्था में अप्लाई करने के लिए कहते हैं। जब आपके यहाँ अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे कर्मचारी मिल जाएंगे, तभी आप संगठन के लक्ष्यों की पूर्ति कर पाएंगे। तो भर्ती की क्या क्या विशेषताएं हैं, आइए ये भी जान लेते हैं। भर्ती की प्रमुख विशेषता में पहला है कि योग्य व्यक्तियों की खोज की प्रक्रिया। दूसरा है, इसमें व्यक्तियों को आवेदन करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाता है। तीसरा है, भर्ती के विभिन्न स्रोतों का निर्धारण करना, और फिर उन्हें बनाए रखने का प्रयास किया जाता है कि वो स्रोत बने रहें। भर्ती एक सकारात्मक प्रक्रिया है, इसमें आप जो भी योग्य व्यक्ति आपको चाहिए, तमाम उपलब्ध लोगों में से आप बेस्ट मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट चुनते हैं। तो आपका इसमें एलिमिनेशन नहीं है, नकारात्मक प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, यही सकारात्मक होनी चाहिए। मैं इस पर पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ आपको, पिछले वीडियो में मैंने इस बात को बताया था, एक बार उसे देखेंगे प्रीवियस वीडियो में आपको ये बात पता चल जाएगा कि सकारात्मक प्रक्रिया से क्या आशय है। इसमें चयन अनुपात को बढ़ाने का उद्देश्य रहता है। इट मीन्स कि जितने लोगों को आप एप्लीकेशन देने के लिए कहें, मान लीजिए 100 लोगों ने एप्लीकेशन किया, तो आप इसमें से 10 लोगों का चयन ना करके आप इसमें से 90 लोगों को चुनें। मोर देन 50 अगर आप चुनते हैं तो ये सकारात्मक हो गया। अगर 100 में से आपने बिलो देन 50 लिया, तो इसका मतलब आपने ज़्यादा लोगों को निकाल दिया, तो नकारात्मक प्रक्रिया हो जाएगी। भर्ती एवं चयन परस्पर संबद्ध है। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, ये परस्पर संबंध है। पहले भर्ती होती है, फिर अगला चरण चयन का है, तो दोनों में फिर भी अंतर होता है। इन दोनों में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। पहले भर्ती आती है और उसके बाद में जहाँ भर्ती ख़त्म होगी वहाँ से सिलेक्शन शुरू होगा। भर्ती वर्तमान और भावी दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। जो आज आपको आवश्यकता है जितने कर्मचारियों के, उसके लिए भी आप भर्ती आज कर सकते हैं। और कभी अगर आपको लगता है आज से 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद इस प्रकार के लोगों की ज़रूरत होगी, तो 1 साल के बाद, 1 साल बाद भी अपॉइंट करने के लिए आप आज से भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। अब देखिए सरकारों में क्या होता है, कोई भी रिक्रूटमेंट होती है, फिर उसमें क्या होता है, 2-3 साल तक भर्ती की प्रक्रिया चला करती है। सरकार को इलेक्शन के समय लोगों को अपॉइंट करने की आवश्यकता होती है, तो 1 साल पहले करीबन वो भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। ठीक, जैसे वर्तमान में आप देखिए TGT PGT के एग्ज़ाम शुरू कर दिए गए, ठीक है ना। 2021 में रिक्रूटमेंट निकाली गई है, 2022 में इलेक्शन होने हैं, 2022 तक प्रक्रिया जारी रहेगी। तो आप समझ सकते हैं, खैर चलो, ये एक थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक बात थी, उम्मीद है आप उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7, भर्ती संस्था में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि कभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि लगातार कर्मचारी आते जाते रहते हैं, तो जाने वाले कर्मचारियों के लिए आने वाले कर्मचारी सुनिश्चित हो सकें, इसके लिए रिक्रूटमेंट निरंतर करना होगा। 8वां पॉइंट है, भर्ती के द्वारा प्रत्येक कार्य के लिए पर्याप्त मात्रा में आवेदकों की पूर्ति उत्पन्न होनी चाहिए, ताकि नियोक्ता को चयन की सुविधा हो। अर्थात रिक्रूटमेंट में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जितनी भी वैकेंसी हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आवेदन के लिए प्रेरित कर सकेंगे, तो आपको ज़्यादा सुयोग्य जो कर्मचारी हैं वो ढूंढने में, उनके चयन में बतौर नियोक्ता, बतौर एम्प्लायर आसानी रहेगी। तो भर्ती के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, भर्ती के प्रमुख स्रोतों में बच्चों जान लीजिए 2 तरह के स्रोत होते हैं, यानी कि कहाँ से आपको लोग मिलेंगे। एक तो आपके इंटरनल सोर्स हो सकते हैं, आंतरिक स्रोत, और दूसरे एक्सटर्नल सोर्सेज हो सकते हैं, बाह्य स्रोत। ठीक है, आइए जल्दी से जान लेते हैं कि आंतरिक स्रोत कौन कौन से हैं। ऐसा करते हैं, इन इंटरनल और एक्सटर्नल स्रोतों को हम बाद में जानते हैं, क्योंकि वीडियो आपका काफ़ी बड़ा हो चुका है, 30 मिनट का हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भर्ती के ये जो आंतरिक और बाह्य स्रोत होते हैं, ये क्या क्या होते हैं, और किस किस माध्यम से आप आंतरिक स्रोत में लोगों को अपने यहाँ अप्लाई करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, और किस तरह से बाह्य स्रोतों के माध्यम से आप ऐसा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है कि जो जो टॉपिक्स हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। किसी भी प्रकार की कोई शंका या समस्या होने के लिए निसंकोच कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको वो भी चीज़ सीखने में आ जाएगी जो एक बार वीडियो देखने के बाद नहीं आई।
कभी कभी ऐसा भी होगा कि सरसरी निगाह से जो वीडियो आप देख रहे हैं उसे अगर आप दोबारा देख लेंगे तो भी संभव है कि आपको वो शंका का समाधान हो जाए। लेकिन फिर भी आपकी कमेंट्स का हमेशा स्वागत है, आप पूछेंगे मुझे बताते हुए अच्छा लगेगा। ऐसे ही वीडियोस देखते रहें, सीखते रहें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अभी भी कोरोना गया नहीं है, ध्यान रखिएगा, मास्क जरूर लगाएं जब कभी भी बाहर जाना हो। मास्क के प्रति इस तरह की अनास्था ठीक नहीं है अभी भी। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। नमस्कार।